ढूंगा कॉलेज की छात्र छात्राओं के आईडी कार्ड चोरी होने का आरोप लगाते हुए एबीवीपी ने कॉलेज प्रचार के कक्ष में धरना लगाकर बैठ गए। छात्रों की मांग है कि छात्र छात्राओं की आईडी कार्ड गायब करने वाले के खिलाफ कॉलेज प्रशासन एफआईआर दर्ज करवाए। एबीवीपी के महामंत्री मानवेंद्र सिंह का आरोप है कि छात्र संघ चुनाव के दौरान ढूंगा कॉलेज के एमए प्रथम वर्ष इतिहास वर्ग के कई छात्र छात्राओं के आईडी कार्ड गायब हो गए, जिस पर कॉलेज प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। मानवेंद्र सिंह ने बताया कि कॉलेज प्रशासन की लापरवाही की वजह से पिछले वर्ष एक छात्रा की आईडी कार्ड वायरल हो गई थी, जिससे उस छात्रा को इतनी परेशानी हुई कि उसको बीकानेर छोड़कर पश्चिम बंगाल जाना पड़ा। कॉलेज प्रशासन की ओर से जवाब मिलता है कि आपका आईडी कार्ड गायब हो गया है। वहीं ढूंगा कॉलेज प्रचार ने कहा कि चुनाव के दौरान कुछ आईडी कार्ड इधर उधर हो गए थे, इसको चुनाव से पहले ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था ताकि उस आईडी कार्ड के आधार पर कोई फर्जी मतदान ना कर सके। आज राज्य के डूंगर महाविद्यालय, जो संभाग का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय के अंदर जो छात्र संघ चुनाव होते हैं, पिछले बार भी बहुत से फर्जी वोट इस डूंगर महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के अंदर गिरे। बार बार हम लोगों ने महाविद्यालय प्रशासन को बताया, पिछली बार भी एक लड़की की आईडी उन लोगों ने, यहाँ के महाविद्यालय प्रशासन ने उसको वायरल कर दिया, जिसकी वजह से उस बच्ची को इतनी तकलीफ हुई, उसको यहाँ के स्टेट छोड़ के वेस्ट बंगाल जाना पड़ा। उसी प्रकार इस बार जब यहाँ बच्चे स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर अपना आइडेंटी कार्ड लेने पहुँचते हैं तो वहाँ पे उन लोगों का आइडेंटी कार्ड पहले से ही वहाँ पे गायब होते हैं। चुनाव के बाद जब बच्चे लेने जाते हैं तो उनको बोलते हैं आइडेंटी कार्ड आपके यहाँ पर है ही नहीं। अभी जब हमने महाविद्यालय के प्रिंसिपल से बात करी तो उन्होंने HOD को फोन लगाया और फोन लगा के जब उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वो बच्ची पूरा गायब हो गया है। मतलब उन लोगों को पता ही नहीं है कि महाविद्यालय का आईडी कार्ड मतलब बाहर का कोई भी व्यक्ति आगे लेके जा सकता है, उसको कोई भी मिसयूज़ कर सकता है। जब यहाँ पे छात्रों ने, सब लोगों ने ये मांग रखी कि जब बच्चा गायब हो गया था, जब सरकारी दस्तावेज गायब हो गया था, उसके बावजूद FIR दर्ज क्यों नहीं कराई गई, तो उन्होंने उसका कोई उनके पास जवाब नहीं था। और अब जब हमने बोला कि आप आज चलो इतने दिन नहीं करेंगे तो आज आप FIR दर्ज कराओ, तो अब वो कह रहे हैं आज FIR दर्ज नहीं करेंगे, कल कराएंगे, परसों कराएंगे। हमारी ये मांग है कि हमें आज FIR दर्ज चाहिए। जिन जिन लोगों ने ये ऐसी गतिविधि करी उन पर कार्रवाई हो और वो जो आइडिया है उन बच्चों को मिले, ये हमारी मांग है। दूसरा, हमने आज एक मांग पत्र तैयार किया है जो विद्यार्थी परिषद पिछले 3-4 सालों से डूंगर महाविद्यालय के अंदर ज्ञापन और प्रदर्शन के माध्यम से बार बार इस महाविद्यालय प्रशासन को बार बार इन समस्याओं के बारे में चेताया है, लेकिन ये हमें हमेशा एक आश्वासन देते हैं जिसको हम लोग सिर्फ एक शिक्षक की इज्जत और संस्कार जो विद्यार्थी परिषद, उसके कारण हम लोग उस बात को छोड़ देते हैं। लेकिन तब विद्यार्थी परिषद की पूरी टीम ने तय किया है कि जो आज NAC द्वारा जो ए ग्रेड कॉलेज, ये जो बार बार हम लोगों को बोला जाता है NAC द्वारा ए ग्रेड कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर ए ग्रेड की सुविधाएं जब तक नहीं होगी, जब तक डूंगर महाविद्यालय के अंदर जो प्रदर्शन वगैरह, जो उग्र आंदोलन होगा, जो विद्यार्थी परिषद एक स्तर से इतने बड़े स्तर का आंदोलन शुरू करेगा, जिस आंदोलन के अंदर कुछ भी हो सकता है, उसका पूर्णतः जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन होगा, यहाँ के प्रिंसिपल होंगे, यहाँ के स्टाफ होगा, क्योंकि बच्चों को बार बार उन्होंने मजबूर किया है। नाम बताओ। मानवेंद्र सिंह राठौड़, महानगर मंत्री, विद्यार्थी परिषद।